हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल नागर और आज हम बात करेंगे अबाउट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ बैड ब्रेथ। बैड ब्रेथ जिसको हम हेलिटोसिस बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है कि हमारे मुंह से गंदी बदबू आने लगती है और जो है इनके कारण क्या क्या होते हैं, इसको हम किस तरीके से होम्योपैथी से ठीक कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। दोस्तों, हेलिटोसिस होने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि अगर हमें हेलिटोसिस हो रहा है तो हेलिटोसिस का एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा जो खाने की चीज़ें, हम जो खाना खाते हैं उसमें जो है स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे प्याज है, लहसुन है, ऐसी चीज़ें जो है, सिरका है, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जो कि हमारे हमारे ब्लड में जाके, हमारे ब्लड में मिक्स होकर जो है हमारे लंग्स के थ्रू जो है ये स्मेल प्रोड्यूस करती है। दूसरा कारण जो हो सकता है दोस्तों, वो हो सकता है पोस्ट नजल डिस्चार्ज। पोस्ट नजल डिस्चार्ज मतलब कि हमारे जो नाक से रेगुलर बलगम बनता है वो हमारे गले में आके इकट्ठा होता है, और वो जब गले में आके इकट्ठा होता है तो वो कुछ टाइम बाद जो है बदबू प्रोड्यूस करने लगता है। इसके अलावा दोस्तों, हम तीसरा कारण जो होता है वो होता है साइनस इन्फेक्शन। कुछ लोगों को जो है साइनसाइटिस रहता है, क्रॉनिक साइनसाइटिस रहता है, जैसे कि किसी को इन्फेक्शन हो रहा है साइनस का, और वो इन्फेक्शन जो है धीरे धीरे सड़ने लगता है और धीरे धीरे जो है वो उसको बॉडी में जो है बैड ब्रेथ प्रोड्यूस करने लगता है। इसके अलावा जो है हमारा जो नेक्स्ट कारण आता है वो आता है पुअर डेंटल हाइजीन, मतलब कि हम दांतों की साफ सफाई नहीं रखते हैं, जो दांत होते हैं वो हमेशा गंदे रहते हैं, या दांतों में कोई तरह का इन्फेक्शन हो गया है, पायरिया हो गया है, इस वजह से भी जो है हमें जो है दांतों से बहुत ज़्यादा जो है हमारे मुंह से जो है बहुत ज़्यादा बदबू आती है। इसके अलावा दोस्तों, हमारा जो है किसी को ब्रोंकाइटिस हो रखा है, किसी को जो है लंग्स का इन्फेक्शन हो रखा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि किसी को जो है बैड ब्रेथ होती है या जो है इन्फेक्शन होता है। दोस्तों, अगर हम जो है बैड ब्रेथ के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो बैड ब्रेथ के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो आता है वो आता है मर्क्सोल। मर्क्सोल एक ऐसी दवाई है जो कि हम जो है पेशेंट को तब दे सकते हैं जब पेशेंट को जो है मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवा बनता हो, वो सलाइवा बार बार इकट्ठा हो जाता हो, और उस सलाइवा के इकट्ठे होने की वजह से जो है पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा बैड ब्रेथ होती हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम फर्दर बात करें, अगर किसी को दांतों की दिक्कत रहती है, काफ़ी टाइम से किसी को दांतों की खराबी रहती है, उसकी वजह से भी जो है पेशेंट को जो है बैड ब्रेथ की दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो आती है वो आती है पल्सेटिला। पल्सेटिला एक ऐसी दवा है जो कि पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट बहुत कम पानी पीता है, और बहुत कम पानी पीने की वजह से जो है पेशेंट वो उसका मुंह सूखा रहता है और उसका मुंह ड्राई रह जाता है, और ड्राई माउथ की वजह से जो है पेशेंट को रेगुलरली बैड ब्रेथ की दिक्कत रहती है। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को जो है दांत रेगुलरली खराब रहते हैं, बहुत ज़्यादा खराब हैं, दांतों में दिक्कत आ रही है, दांत सड़ने लगे हैं, और उसकी वजह से पेशेंट को जो है बैड ब्रेथ की दिक्कत रहने लगी है, तो हम पेशेंट को जो है क्रियोजोट मेडिसिन दे सकते हैं। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो आती है वो आती है हेपार्सल। हेपार्सल एक ऐसी दवा है जो कि पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट को जो है जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है दांतों में इन्फेक्शन रह रहा हो, दांतों में इन्फेक्शन की वजह से पस पड़ गया हो और पस का डिस्चार्ज हो रहा हो दांतों से, तो ऐसे केसेस में जो है हम पेशेंट को जो है हेपार्सल मेडिसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हमारी जो मेडिसिन आती है वो आती है कार्बोलिक एसिड। अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा पेट की दिक्कत रहती है, उसको पेट में कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसका पेट ढंग से साफ नहीं हो पाता है, उसका लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा है, डाइजेशन सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है, और उसको साथ ही साथ मुँह से बदबू आती है, गंदी बदबू आती है, तो ऐसे केसेस में जो है पेशेंट को कार्बोलिक एसिड मेडिसिन दे सकते हैं। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो आती है वो आती है नक्सवामिका। नक्सवामिका एक ऐसी मेडिसिन है जो कि पेशेंट को हम तब देते हैं जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, यहाँ पर भी डाइजेशन की दिक्कत है लेकिन एसिडिटी रहती है, उसको बहुत ज़्यादा एसिड डिस्चार्ज होता है, जहाँ पर जलन होती है और एसिड बार बार ऊपर आता है, और एसिड बनने की वजह से, एसिड बार बार ऊपर आने की वजह से पेशेंट जो है उसके मुँह में गंदी बदबू आती है, बैड ब्रेथ रहती है, तो ऐसे केसेस में हम जो है पेशेंट को नक्सवामिका का मेडिसिन दे सकते हैं। दोस्तों, अगर हम फर्दर बात करें बैड ब्रेथ की, बैड ब्रेथ के लिए हमें रेगुलरली जो है माउथ को क्लीन रखना चाहिए, हमारे जो टीथ्स हैं उनको रेगुलरली क्लीन रखना चाहिए, तो इन सब का ध्यान रख के हम जो है बैड ब्रेथ को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, हमने जो आज बात की वो रिगार्डिंग हमने हेलिटोसिस या फिर जो है बैड ब्रेथ के बारे में बात की। आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना है, कुछ और पूछना है, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।